जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन टेक्नो वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड एजुकेशन एंड रिसर्च में वैकेंसी आई हुई है जो कि 12th पास कैंडिडेट के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा, जिसका आने वाला जो वीडियो होगा और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए डिस्कस करते हैं। और ये जो वैकेंसी आई हुई है जो ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए है जो दिसंबर 2021 में पॉन्डिचेरी का निकला हुआ है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये 13/12/2021 को मंडे को 11 बजे सुबह ओपन हो जाएगा और इसका क्लोजिंग डेट होगा 5/1/2022 को शाम को 4:30 बजे क्लोज हो जाएगा इसका रजिस्ट्रेशन। इसका जो हॉल टिकट है वो 13/1/2022 को रिलीज़ कर दिया जाएगा और इसका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन मोड ओनली होगा। इसका 23/1/2022 को संडे के दिन सिंगल शिफ्ट में होगा इसका एग्ज़ाम, जो कि सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक ही होगा इसका एग्ज़ाम। अब इसके क्वालिफिकेशन और एज एंड नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो पहला जो वैकेंसी पोस्ट आया हुआ है जिसका पोस्ट कोड 11/20/2021 है, जो कि नेम जो पोस्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है। इसमें टोटल 12 पोस्ट हैं जिसमें जनरल के 2 हैं, ओबीसी के 2, एससी के 1 और एसटी के 7 पोस्ट हैं, ठीक। और इसी तरह ग्रुप सी पोस्ट में जिसका पोस्ट कोड 12/20/2021 है, जो पोस्ट का नेम है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के वैकेंसी आई हुई है, जिसमें टोटल पोस्ट जो है 8 हैं, जिसमें जनरल के 4, ईडब्ल्यूएस के 2, एससी के 2 हैं। इस तरह टोटल जो जो इसमें वैकेंसी आई हुई है 20 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों को मिलाकर। इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रुप बी पोस्ट में जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में है, तो उसमें जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस विथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक। और इसका जो पे स्केल है 35,400 होगा लेवल 6 पे और 7th CPC पर होगा और इसका जो एज लिमिट है मैक्सिमम 30 साल है। इसी तरह ग्रुप सी पोस्ट में जो नेम ऑफ द पोस्ट है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए और इसमें टाइपिंग स्पीड 35 WPM इन इंग्लिश या 30 WPM इन हिंदी ओनली ऑन कंप्यूटर में होना चाहिए। और इसका पे स्केल की बात करें तो 19,900 होगा और इसमें लेवल 2 के होगा और इसमें 7th CPC पे स्केल इसका सैलरी मिलेगा और इसमें एज जो लिमिट है मैक्सिमम 30 साल इसमें मैक्सिमम एज होगा। और इसमें छूट की बात करें तो इसमें SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल होगा और PWDS के लिए 10 साल और PWDS+OBC के 13 साल होंगे। इसी तरह देख लीजिएगा इसमें छूट SC/ST OBC के लिए है। इसको अप्लाई कैसे करना है तो इसको जो अप्लाई होगा ये ऑनलाइन मोड पर ही ओनली होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली लॉगिन कर लीजिएगा। और इसका मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसका भी मैं किसको कैसे अप्लाई करना है उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली आप देख सकते हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए इसको कैसे अप्लाई करना है। अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें पेमेंट होगा वो नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ही होगा और इसका जो जो फीस होगा जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए ₹1,500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज एज एप्लीकेबल होगा और SC/ST के लिए ₹1,200 होगा और प्लस इसमें भी ट्रांजेक्शन जो चार्ज होगा इस एप्लीकेबल होगा और PWDS के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको जो होगा फ़ोटो कलर कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट एंड पोलराइडेड फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक। और जो फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज का जो फ़ोटो होगा उसमें आपका नाम और डेट लिखा होना चाहिए। और इसका जो एग्ज़ाम का जो वेन्यू होगा वो 20 से 25 किलोमीटर के मेन सिटी से होगा इसका एग्ज़ाम सेंटर, और इसमें मेंशन किया गया कि जो एग्ज़ाम डेट जो होगा उसका जो सेंटर होगा उसे 2 घंटा पहले आपको वहाँ पे पहुँच जाना होगा। और इसका जो मॉक टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम का, उसका भी लिंक जो होगा इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले जो भी वीडियो है आपको मिल सके। और इसके कैसे अप्लाई करना है इस फॉर्म को इसका भी वीडियो जल्द ही आपको अपलोड हो जाएगा, इसलिए उसको बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल सके।